अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 1.2 को आगे बढ़ाते हैं और हम एक्सरसाइज 1.2 में आज प्रूफ दैट के सवालात करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 18 एंड 19। सवाल में कहता है कि इफ़ सेट ए के मेंबर्स देता है हमको 1, 2, 3, 4, सेट बी के मेंबर्स देता है 2, 4, 6, 8। कहता है कि साबित करें कि ए का सिमेट्रिक डिफरेंस बी के साथ बराबर है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इस फार्मूले को हम सिमेट्रिक डिफरेंस के सवालात के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि ए का सिमेट्रिक डिफरेंस जो बी के साथ है ये बराबर है किसके, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए के। फिर तीसरे सवाल में कहता है कि साबित करें कि ए माइनस बी बराबर है ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी के। ये तीन सवाल प्रूफ करने हैं। इसमें से मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18 को उठा रहा हूँ साबित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है, गौर कीजिएगा, कहता है ए का जो बी के साथ सिमेट्रिक डिफरेंस है ये बराबर होना चाहिए किसके, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए के। अच्छा जी मेरे बच्चों, मुझे इस सवाल में कहता है शो दैट। ये सवाल पेपर में या तो शो दैट से आता है या प्रूफ दैट से आता है। अब जब शो दैट या प्रूफ दैट लिखा होता है तो हमको लेफ्ट हैंड साइड को भी हल करना होता है और राइट हैंड साइड को भी हल करना होता है, तो इसका मतलब है दोनों साइड सॉल्व होंगी। अच्छा, तो चलते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने जाते हैं। कंसिडर LHS बिलोंग्स टू लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिखा ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। अच्छा, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी कैसे निकालेंगे यहाँ पर जब प्रूफ दैट का सवाल करने जा रहे होंगे, प्रूफ दैट या शो दैट का सवाल करने जा रहे हैं, तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी कैसे निकालेंगे। इसको निकालने के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था जब मैं सेट ऑपरेशन समझा रहा था। उस लेक्चर में मैंने यूनियन भी समझाया था, इंटरसेक्शन भी समझाया था, डिफरेंस भी समझाया था, सिमेट्रिक डिफरेंस भी समझाया था। वहाँ आखिर के अंदर मैंने आपको बताया था कि MCQs के लिए अगर सिमेट्रिक डिफरेंस निकालने के लिए आए तो कैसे निकालते हैं, तो वो तरीका यहाँ पर अप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में सिमेट्रिक डिफरेंस निकालने के लिए। 1, 2, 3, 4 सेट ए के एलिमेंट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस का ऑपरेटर लगेगा। सेट बी के एलिमेंट्स क्या है मेरे पास, 2, 4, 6, 8। अब क्या करेंगे, जब सिमेट्रिक डिफरेंस हम अप्लाई करते हैं सेट्स के दरमियान तो होता ही है, सिमेट्रिक डिफरेंस जब ऑपरेट कराते हैं तो दोनों में जो कॉमन होते हैं उनको दोनों में क्रॉस कर देते हैं और उसके बाद दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स बचते हैं उसको हम मिलाकर तरतीब से लिख देते हैं। इट मींस कि मेरे पास ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी बराबर आ जाएगा 1, यहाँ से 2 चला गया है, 3 मौजूद है, 4 जा चुका है, यहाँ 2 और 4 दोनों जा चुके हैं, यहाँ से बचा 1, 3 और यहाँ से बचा मेरे पास 6, 8। तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस को आपने हल कर लिया। ये दो जगह पे ये तरीका अप्लाई करना है, एक MCQs के लिए और एक जब प्रूफ दैट या शो दैट में आपके पास सवाल हो तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड को हल करने के लिए ये तरीका इस्तेमाल करना है। दो जगह बता दी है, इसके अलावा कोई तीसरी जगह नहीं है। जहाँ फाइंड लिखा हुआ होगा वहाँ आप कल वाले तरीके से हल करेंगे जो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, दो लेक्चर्स के अंदर हमने तरीका बताया। दोबारा कह रहा हूँ, कान खोल के सुन लें, आंखें खोल के देख लें। क्या कह रहा हूँ, कह ये रहा हूँ कि जब ये आपको प्रूफ करने के लिए आएगा तो आपने प्रूफ करने के लिए आएगा तो आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को इस तरीके से हल करना है। इसके अलावा ये तरीका MCQs के अंदर इस्तेमाल होगा और कोई जगह पर इस्तेमाल नहीं होगा। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई मेरे पास। अब राइट हैंड साइड की तरफ चलेंगे। इस सवाल में राइट हैंड साइड क्या है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो कंसिडर RHS, कंसिडर RHS, RHS क्या है मेरे पास, RHS है
ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। जब भी ब्रैकेट हल ब्रैकेट लगा हुआ होता है तो आपको कानून सिखाया है कि पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। इसका मतलब है कि पहले मुझे ए माइनस बी का ब्रैकेट निकालना होगा, फिर मुझे बी माइनस ए का ब्रैकेट निकालना होगा। जब ये दोनों ब्रैकेट की वैल्यूज़ आ जाए मेरे पास तो फिर मैं इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान यूनियन ऑपरेट करूँगा। तो ए माइनस बी निकालने जा रहा हूँ, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए के एलिमेंट्स गिवन है 1, 2, 3, 4, माइनस बी के एलिमेंट्स गिवन है क्या है मेरे पास 2, 4, 6, 8। माइनस करने जाते हैं तो आपको माइनस में मालूम है कि जो दोनों सेट्स के अंदर कॉमन एलिमेंट्स होते हैं पहले ब्रैकेट से उनके ऊपर क्रॉस लगा देते हैं, और जो पहले ब्रैकेट में बचते हैं सिर्फ उन्हीं को लिखते हैं, दूसरे ब्रैकेट के बचे हुए एलिमेंट्स को डिस्कस नहीं करते। तो ए माइनस बी बराबर हो गया मेरे पास 1, 3 के, जो पहले ब्रैकेट में बचेंगे सिर्फ वही एलिमेंट्स लिख के जाएंगे। इसी तरीके से मैं बी माइनस ए निकालता हूँ, बी माइनस ए, बी के एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8, माइनस ए के एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4। दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर पहले ब्रैकेट के अंदर क्रॉस का सिंबल लगाएंगे। यहाँ पे देखें 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, तो पहले ब्रैकेट में क्या बचा? दोबारा बात पे गौर कीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि पहले ब्रैकेट में क्या बचा? पहले ब्रैकेट में बचा मेरे पास 6, 8। मैंने ए माइनस बी निकाल लिया, बी माइनस ए निकाल लिया। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये थी, अब चलता हूँ जो रिक्वायरमेंट है मेरी। रिक्वायरमेंट है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू, ए माइनस बी की जगह ए माइनस बी के एलिमेंट्स आ जाएंगे जो मैंने कैलकुलेट किए हैं, यानी 1, 3, बीच में ऑपरेटर आ जाएगा यूनियन का, और बी माइनस ए लिखा हुआ ब्रैकेट, बी माइनस ए के एलिमेंट्स आपके पास मौजूद हैं 6, 8। यूनियन बिटवीन टू सेट्स है, यूनियन बिटवीन टू सेट्स में क्या करते हैं, सबको मिला के तरतीब से लिखते हैं। तो मेरे बच्चों क्या हो जाएगा मेरे पास, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए 1, 3, 6, 8। ये राइट हैंड साइड को मैंने सॉल्व कर लिया। अब मैं जवाब देखूंगा कि क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जवाब सेम है। जी, इसका जवाब देखें 1, 3, 6, 8, इसका जवाब देखें 1, 3, 6, 8। इट मीन्स कि मैं नीचे लिख सकता हूँ क्योंकि जवाब बराबर है, देयर फोर ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी बराबर है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ये मैंने साबित कर दिया, तो नीचे लिख दूंगा प्रूव्ड। बिल्कुल इसी तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करना है। 17 में कहता है कि साबित करें कि ये पूरा बराबर है इस पूरे के, तो आपको पहले लेफ्ट हैंड साइड उतारनी है, लेफ्ट हैंड साइड को इसी तरीके से हल करना है। सही है जी, प्रूफ दैट के सवाल में लेफ्ट हैंड साइड इस तरीके के अलावा किसी और तरीके से हल नहीं होगी। शो दैट का सवाल हो या प्रूफ दैट का सवाल हो, लेफ्ट हैंड साइड हल कर ली, फिर आप राइट हैंड साइड पर आएंगे तो पहले ये ब्रैकेट हल करेंगे, ए यूनियन बी निकालेंगे, फिर आप ये ब्रैकेट हल करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, फिर दोनों का जो जवाब आएगा उसके दरमियान क्या ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, माइनस का ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाएं, 19 में कोई सिमेट्रिक डिफरेंस का सिंबल नहीं लगा हुआ, तो जो लगा हुआ है उसको हल करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करेंगे, ए माइनस बी को सॉल्व करेंगे, जो माइनस करने का तरीका है उसको फॉलो करते हुए, फिर यहाँ पर आएंगे राइट हैंड साइड पर। जब राइट हैंड साइड पर आएंगे तो पहले इसको अलहदा से निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी, फिर क्या करेंगे ए में से माइनस करेंगे किसके एलिमेंट्स, ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स माइनस करेंगे। फटाफट ये तीनों सवाल बना के दिखाइए।